चीन समेत कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार भी इसको लेकर सतर्क है। एहतियात के तौर पर भारत के सभी एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रैपिड टेस्टिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव केस भी मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 24 दिसंबर से अब तक 498 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की टेस्टिंग की जा चुकी है। इस दौरान 1780 सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। इनमें से 39 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब इन सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि कल यानी मंगलवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में केम्प गोड़ा एयरपोर्ट पर 4 विदेशी यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं इससे पहले बिहार के बोध गया में 5 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। दरअसल एयरपोर्ट पर 33 विदेशियों की कोविड जाँच कराई गयी थी। इनमें से 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जबकि बाकी 28 की रिपोर्ट नेगेटिव थी। देश भर के सभी अस्पतालों में कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई। पीएम मोदी की सलाह पर देश भर के विभिन्न अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मॉक ड्रिल से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि किस स्तर पर क्या कमी है और इन्हें हम समय रहते दुरुस्त कर लेंगे। मांडवी ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल का दौरा भी किया। देश में मंगलवार को कोरोना के कुल 157 मामले दर्ज किए गए। वहीं सक्रिय मामले घटकर अब 3421 हो गए हैं। एक दिन पहले सक्रिय मामले 3428 थे। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.32% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.18% रही। सक्रिय मामले अब कुल संक्रमणों का 0.01% है।